Hello students, welcome to all of you in my YouTube channel Physics Classes by VK Rakeji Rodara. कल हम प्रकाशीय यंत्र चैप्टर को समाप्त किए थे, आज उसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं. पहला न्यूमेरिकल आपके सामने बोर्ड पर है. किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, तो जो जो दिया हुआ है वो लिखते जा रहे हैं. पहला क्या दिया हुआ है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है, तो हम सॉल्यूशन लिख दे रहे हैं. सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार अभिदृश्यक की फोकस दूरी मतलब एफओ बराबर 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका लेंस. नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है, 6.25 सेंटीमीटर. तो एफ लिख दे रहे हैं नेत्रिका की फोकस दूरी, एफ इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर, है ना. क्योंकि दोनों उत्तल लेंस होते हैं इसलिए दोनों की फोकस दूरी धनात्मक. अब देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो एक दूसरे से जितने दूरी पर दोनों लेंस स्थित होते हैं अभिदृश्यक एवं नेत्रिका, वह सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है. तो यहाँ लंबाई को एल से सूचित किया जा रहा है, एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, है ना. एक वस्तु को अभिदृश्यक से कितनी दूरी पर रखा जाए, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी कैपिटल यू हमें मालूम करना है, कितनी दूरी पर रखा जाए कि अंतिम प्रतिबिंब. अब पहला नंबर कह रहा है कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, किसके द्वारा, तो नेत्रिका के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, है ना. तो नेत्रिका से बने प्रतिबिंब की दूरी को स्मॉल यू से दिखा रहे हैं. स्मॉल वी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है निकालना है. स्मॉल वी इज इक्वल टू स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर, तो स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, है ना. तो हम लिख रहे हैं इसको -25 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि जब नेत्रिका द्वारा प्रतिबिंब बनेगा तो उसी ओर बनेगा जिधर की वस्तु है. मतलब नेत्रिका के लिए वस्तु कौन सा है, तो अभिदृश्यक द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है A1 B1, वही नेत्रिका के लिए प्रतिबिंब का कार्य करता है, है ना. तो भी इक्वल टू -25 सेंटीमीटर यहाँ पर है, एफ ओ और एफ ई दिया हुआ है. तो नेत्रिका के लिए हम देखते हैं, नेत्रिका के लिए 1/V - 1/U = 1/FE. इस सूत्र से चलते हैं, तो 1/V तो निकाल दिया हुआ है, -25 - 1/U नहीं दिया हुआ है, इक्वल टू 1/FE. एफी दिया है 6.25, तो सॉल्व किया जाए इसको, 1/U इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/6.25 - 1/25, है ना. लॉस हो गया 25, 6.25 से 4 बार में भाग लगेगा, तो यहाँ -4 हो गया, -25 से 25 में 1 बार भाग लगेगा, तो 1 हो जाएगा, -5/25 कटा देते हैं 5 बार में, तो ये आ जाएगा -1/5. तो 1/U इक्वल टू -1/5 हो गया, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर, है ना. तो
यू इज इक्वल टू माइनस 5 सेंटीमीटर हो गया, मतलब कि नेत्रिका से वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है। मतलब प्रतिबिंब जो A1 B1 होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, यह है अभिदृश्यक और यह है नेत्रिका, है ना, यह नेत्रिका है। तो मान लीजिए कि वस्तु है यह ए बी वस्तु है, यहाँ पर नेत्रिका के द्वारा, अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो है A1 B1। मान लेते हैं ये है A1 B1 और A1 B1 नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है। तो इसका प्रतिबिंब हम मान लेते हैं कि स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर A2 B2 बनता है, है ना। तो AB की दूरी अभिदृश्यक से हम कैपिटल U माने हैं। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना A1 B1 वो भी कैपिटल V दूरी पर है और A1 B1 की अभिदृश्य ये नेत्रिका से जो दूरी है वह है स्मॉल u, तथा इसके द्वारा नेत्रिका के द्वारा जो प्रतिबिंब फाइनल प्रतिबिंब बना A2 B2 उसकी दूरी को हम स्मॉल v मान लिए हैं, जो कि कितना है 25 सेंटीमीटर। तो नेत्रिका के बाएं पड़ रहा है ना ये भी, इसलिए भी का मान हम माइनस में रखे हैं, माइनस 25 सेंटीमीटर रखे हैं, है ना। तो आया है यू बराबर माइनस 5 सेंटीमीटर, ये दूरी कितना आया है माइनस 5 सेंटीमीटर। और सूक्ष्मदर्शी की जो लंबाई है दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कहते हैं, और दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी है वी प्लस स्मॉल, है ना। तो एल इज इक्वल टू कितना है, एल इज इक्वल टू वी प्लस यू, है ना। इसमें मान रखते हैं एल का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, वी बराबर नहीं मालूम है भी, प्लस यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। अब यहां माइनस 5 आया है लेकिन हम प्लस 5 लिख रहे हैं, कारण यह है कि माइनस चिन्ह इसलिए आया है कि A1 B1 जो बना है प्रतिबिंब अभिदृश्यक के द्वारा, प्रतिबिंब A1 B1 जो बना है वह नेत्रिका से यू दूरी पर है और यह दूरी नेत्रिका के बाएं, इसलिए माइनस चिन्ह आया है ना। लेकिन जब सूक्ष्मदर्शी की लंबाई निकालना होगा तो इसको माइनस में नहीं है, ठीक है। तो भी इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करते हैं तो भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 - 5 मतलब कि 10 सेंटीमीटर, है ना। तो भी आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए 1 - v - 1 - u = 1 / f। तो 1 / v तो मालूम हो गया है ना भी, 10 सेंटीमीटर है, 1 / 10 - 1 / u, u का मान दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए ये पूछ रहा है, कैपिटल u इक्वल टू 1। तो हम कैपिटल u ही यहाँ पर रहने दे रहे हैं और 1 / fo, fo अर्थात अभिदृश्यक की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हम यहाँ 2 लिख दे रहे हैं। तो 1 / u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 / 10 - 1 / 2 इक्वल टू 10 लस हो जाएगा ना, 10 हो गया लस, 1 - 2 = 10 मतलब -4 / 10 हो गया 1 / u। 1 / u इक्वल टू कितना हो गया, -4 / 10। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 - -10 / 4, यही ना जी, -10 / 4 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 बच गया, 2 पर 0, 4 बचे 20, मैंने 2.5 सेंटीमीटर
यह दूरी हो गया वस्तु की, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी इतनी होगी, है ना। तो अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी माइनस 2.5 है, माइनस चिन्ह इसलिए आया है क्योंकि वस्तु अभिदृश्यक से बाई, ठीक है। तो क्या क्या हमें मालूम करना है, दोनों स्थितियों में सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता भी मालूम करना है। ये तो वस्तु की दूरी हो गई, ये वो आंसर हो गया, लेकिन हमें अभी आवर्धन क्षमता भी मालूम करना है। तो आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस वी बटा यू वन प्लस डी बटा एफ, है ना। तो माइनस वी, वी कितना है, वी आया हुआ है हम लोगों का वी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आया हुआ है, तो 10 रख दे रहे हैं, बटा यू, यू कितना है, तो माइनस 2.5 डी, वन डी का मान 25, और एफ कितना आया है, तो एफ जो है नेत्रिका की फोकस दूरी 6.2, तो ये कट गया 4 बार में, और ये माइनस माइनस समाप्त हो जाएगा, और 2.5 से 10 भाग देंगे तो 4 × 4 ए का जोड़ 4 5 हो गया, तो ये हो गया 20। तो आवर्धन क्षमता कितनी हो गई, 20 हो गई। लेकिन जब सूत्र व्युत्पन्न किया गया था तो उस समय जो वस्तु की जो दूरी थी उसको ऋणात्मक मान लिया गया था पहले, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ही माइनस का चिन्ह रखेंगे, यहाँ वी बटा यू रखेंगे, और आ जाएगा ये कितना, माइनस 4 × 5, इसको कटाएंगे तो 4 रखो कट जाएगा, माइनस चिन्ह रहेगा, गुना 4 × 5 हो गया, मैंने माइनस 20, ठीक है। तो आवर्धन हो गया इसका 20, दोनों आंसर आ गया। अब दूसरा प्रश्न इसमें हम देख रहे हैं, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जब प्रतिबिंब अनंत पर, तो अनंत पर बन रहा है तो वी इक्वल टू यहाँ पर अनंत, है ना, वी इक्वल टू अनंत लेकर के हम बनाते हैं। तो नेत्रिका के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो वी अनंत पर है तो 1/अनंत माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, एफ है 6.25 सेंटीमीटर, और माइनस 1/u इक्वल टू 1/6.25, और u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 6.25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u निकल गया, और वैसे स्थिति में अब हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या जो है लंबाई दोनों लेंसों के बीच की दूरी देखते हैं, तो वी प्लस एफ ही होता है, तो एल इजक्वल टू कितना हो गया, एल इजक्वल टू वी प्लस एफ ही, लेकिन एफ ही जो है कितना के बराबर है, यू के बराबर है यहाँ पर, है ना। तो वी प्लस एफ ही यू कितना है जी, एल दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और भी नहीं मालूम है, एफ ही है 6.25, है ना। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 15 − 6.25, और भी इक्वल टू हो जाएगा 8.75 सेंटीमीटर हो गया, तो 8.75 सेंटीमीटर हो जाएगा भी इक्वल। अब अभिदृश्यक के लिए देखते हैं, अभिदृश्यक के लिए, अभिदृश्यक के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो अभिदृश्यक के लिए दिया हुआ है भी तो दिया हुआ है भी 1/v माइनस 1/u
u निकालना है इज इक्वल टू 1 बटा f और 1 बटा v है कितना 8.75 माइनस 1 बटा u तो नहीं मालूम है इज इक्वल टू 1 बटा f तो 1 बटा f दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर तो हो जाएगा ये 1 बटा u इज इक्वल टू कितना तो 1.875 माइनस 1 बटा 2 तो हो जाएगा 1 बटा u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 × 16 = 17.5 लसा ले रहे हैं 17.5 8.75 से 17.5 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा यहां 2 हो गया यहां पर क्या हो जाएगा तो 8.75 बार में कटेगा 8.75 तो हो जाएगा 1 बटा u इज इक्वल टू माइनस 6.75 बटा 17.5 तो हो जाएगा ये 67.5 बटा 17.75 67.5 बटा 175 यही ना 1 बटा u इज इक्वल है ना अब हम देख लेते हैं इसको इधर तो हो जाएगा ये u इज इक्वल टू निकालना होगा तो 175 को ऊपर कर देंगे बटा माइनस 67.5 दशमलव हटा ले रहे हैं 1750 बटा 675 माइनस में होगा माइनस में हो गया कटाते हैं 25 × 50 25 × 175 70 बार कट गया अब 70 बटा 27 माइनस सेंटीमीटर ये हो गया अधिदृश्यक से वस्तु की दूरी और जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वैसी स्थिति में आवर्धन m इज इक्वल टू होता है v बटा u और d बटा f तो हो जाएगा v कितना है v दिया हुआ है यहां पर निकला हुआ है ये तो ये निकला हुआ 8.75 है 8.75 बटा u आया है हम लोगों का 70 बटा 27 और माइनस 70 बटा 27 d है 25 बटा f फोकस दूरी 2 फोकस दूरी 6.25 कितना दिया हुआ है अभिदृश्यक के यह है नेत्रिका की फोकस दूरी 6.25 सेंटीमीटर 6.25 रख दिए अब यह आ जाएगा -8.75 गुना 27 गुना 25 बटा 70 × 6.25 तो हम दशमलव ऊपर नीचे हटा दे रहे हैं -8.75 × 27 × 25 × 70 × 625 तो अब कटाते हैं 25 से इसको कटा दे रहे हैं 25 भर में और 25 से फिर हम 875 कटा दे रहे हैं 25 × 75 12 87 होता है 12 पर 5 उत्तर 125 125 हो गया अब 35 गुनी कितना होता है 70 35 गुनी 70 है ना तो 27 बटा 2 13.5 तो माइनस 13.5 ये आवर्धन हो गया अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं इस प्रश्न में दिया हुआ है कि
एक छोटे दूरबीन के अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, तो अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी है 144 सेंटीमीटर, माने एफ ओ इक्वल टू 144 सेंटीमीटर। और नेत्रिका की फोकस दूरी कितनी है एफ ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, है ना, एफ ओ और एफ ई दिया हुआ है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी है पूछ रहा है, कैपिटल एम, कैपिटल एम इक्वल टू क्वाट। और पूछ रहा है कि अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी क्या है, तो एल का मान पूछ रहा है, यही ना, तो देखते हैं। एम इक्वल टू सामान्य समायोजन में, मतलब कि अनंत पर अगर प्रतिबिंब बने तो ऐसे स्थिति में एम इक्वल टू माइनस एफ ओ बटा एफ ई होता है, तो एफ ओ दिया हुआ है 144 और एफ ई दिया हुआ है 6, तो 14 माइनस 14 आवर्धन हो गया। माइनस का मतलब ये होगा कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 14 उल्टा बनेगा, है ना। और L इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग सूत्र पढ़े थे एफ ओ प्लस एफ ई, है ना, तो एफ ओ है 144 और एफ ई है 6, कितना हो गया 150 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तो तीसरा प्रश्न में दिया हुआ है, हम ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किए हुए हैं, जो दूसरा प्रश्न था उसी प्रश्न में अभिदृश्यक की फोकस दूरी को 15 मीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी को 1 सेंटीमीटर कर दिया है, बस केवल इतना ही हम चेंज किए हैं। तो 15 मीटर है, एफ ओ बराबर 15 मीटर, तो उसको 1500 सेंटीमीटर लिख देंगे, और एफ ई 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर लिख देंगे, बाकी सब के सब वही रहेगा जैसे हम बनाए थे दूसरा प्रश्न, वैसे ही ये भी बनेगा। माइनस एफ ओ, एफ ओ है कितना 1500 बटा एफ ई है 1 सेंटीमीटर, और ये हो गया माइनस 1500 गुना, मतलब कि 1500 गुना आकार रहेगा प्रतिबिंब का, और ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब उल्टा रहेगा, तो एक आंसर हो गया। और एल बराबर कितना हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई, मतलब कि 1500 प्लस 1 सेंटीमीटर, मतलब 1500 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे तो 1.1 कितना आ जाएगा 1500 1 सेंटीमीटर, मैंने 1500 से भाग कर देंगे 1501 मीटर, है ना। तो ये हो जाएगा दूरबीन की लंबाई। तो अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। चौथे न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि एक कार्ड सीट जिसे 1 मिलीमीटर स्क्वायर के वर्गों में विभाजित किया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल है 1 वर्ग मिलीमीटर, इसका मतलब यह है कि उसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर है। तो किसी वस्तु की लंबाई या ऊंचाई को हम लोग एच से सूचित करते हैं, हम उसको एच से सूचित कर दे रहे हैं। तो दिया हुआ है एच इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, ठीक है, को 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस से देखा जाता है ना। तो 9 सेंटीमीटर की दूरी वस्तु की दूरी है, u बराबर कितना है 9 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी को माइनस में रखते हैं तो माइनस 9 सेंटीमीटर हो गया। और आवर्धक लेंस, आवर्धक लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस कहते हैं, और यही फ्रेम वगैरह में मढ़ दिया जाता है तो इसको सरल सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी को ही आवर्धक लेंस कहते हैं, और इसकी फोकस दूरी कितनी दी हुई है एफ इक्वल टू, शायद ये आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, है ना, यू बराबर कितना माइनस 9 सेंटीमीटर और एफ इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, है ना। आवर्धक लेंस
जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है द्वारा उसे नेत्र के निकट रखकर देखा जाता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है। तो पहला नंबर प्रश्न में कह रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, वी बटा यू होता है आवर्धन, और ये हमें नहीं मालूम है ना। तो हमें वी को मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन बटा वी माइनस वन बटा ए स्क्वायर टू वन बटा एच होता है, वन बटा वी नहीं मालूम है वी माइनस वन बटा ए माइनस नौ, वन बटा एच एफ है 10 सेंटीमीटर, और वन बटा वी प्लस वन बटा नाइन इक्वल टू एक बटा दस, और वन बटा वी इक्वल टू एक बटा दस माइनस एक बटा नौ है ना जी। तो ये हो जाएगा कितना लॉस हो जाएगा 90, दस ना भाई 90 और ना ही 90 मतलब माइनस एक बटा 90 हो गया कितना वन बटा वी, और वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस 90 सेंटीमीटर। तो माइनस 90 सेंटीमीटर भी हो गया, ए इक्वल टू हम निकाल सकते हैं हम माइनस कितना है वी बटा यू होता है ना, वी बटा यू वी है माइनस 90 और यू है कितना माइनस 9, तो हो गया कितना 10 आवर्धन हो गया 10, या कोणीय आवर्धन भी इसको कहते हैं। आवर्धन क्या है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है, आवर्धन हो गया 10 है ना। अब है कि लेंस का कोणीय आवर्धन क्या है, कोणीय आवर्धन जो होता है उसे कैपिटल एम से सूचित करते हैं, और एम इक्वल टू होता है कैपिटल एम इक्वल टू डी बटा यू है ना, डी बटा यू मैंने जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने तो उस स्थिति में डी बटा यू बराबर डी है माइनस 25 होता है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी, और यू दिया हुआ है कितना माइनस 9, तो हो जाएगा 25 बटा 9, ये कोणीय आवर्धन हो गया। और इसके बाद प्रश्न में पूछ रहा है पहला में लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, दूसरा में कोणीय आवर्धन, क्या प्रश्न एक एवं दो में आवर्धन क्षमता बराबर है। तो देख लीजिए आवर्धन क्षमता बराबर है कि नहीं है, तो पहले वाला में आवर्धन क्षमता था 10 और दूसरे वाला में 25 बटा 9, तो बराबर तो नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो इसका कारण यह है कि पहली अवस्था में क्या हो रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब कोई निश्चित दूरी पर नहीं है, मतलब कि 90 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, और दूसरी अवस्था में अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, तो सवाल ही नहीं है दोनों में आवर्धन क्षमता बराबर होने का, अलग अलग प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए आवर्धन भी अलग अलग है ना। तो अब हम अगला प्रश्न देखने जा रहे हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आंख से 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, ठीक है, मतलब इस व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती है ना, तो बता सकते हैं कि वो कौन से दोष से पीड़ित है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो निकट दृष्टि दोष, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है तो दीर्घ दृष्टि दोष, तो कौन सा दृष्टि दोष है इसको निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो ये व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है और 40 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, लेकिन हम लोगों को तो तारा भी दिखाई देता है, मतलब एक सामान्य व्यक्ति को अनंत पर स्थित वस्तु दिखाई देना चाहिए, मतलब कि वो देखना चाहता है तारों को, अनंत पर स्थित वस्तुओं को देखना चाहता है, लेकिन बेचारे को 40 सेंटीमीटर से दूर स्थित वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर ऐसा किया जाए कि अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किसी लेंस के द्वारा 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बना दिया जाए तो वो देख लेगा उसको, इसलिए हम यू इक्वल टू ले रहे हैं, ये यू तो अनंत ले रहे हैं, ठीक है, और कहाँ पर प्रतिबिंब बनना चाहिए 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनना चाहिए,
तो अब वो देख पाएगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब उसके आंख के सामने बनना चाहिए, इसलिए इसको माइनस कर देते हैं, माइनस 40 सेंटीमीटर। अनंत में भी माइनस ही होना चाहिए, लेकिन इसमें तो ना माइनस लगाते हैं ना प्लस लगाते हैं, अनंत में कुछ भी नहीं लगता है ना, इसलिए हम केवल अनंत लिखे हैं, इन्फिनिटी लिखे हैं, ठीक है। तो यू है, भी है, और लेंस की फोकस दूरी हमें मालूम करना है, वो नहीं मालूम है ना। तो 1/b - 1/a = 1/a, और 1/b - 40 - 1/u = 1/a है ना। तो 1/-40 = 1/a, तो दोनों को पलट देंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 40 सेंटीमीटर, मतलब माइनस 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस चाहिए। तो माइनस में फोकस दूरी किसका होता है, उत्तल लेंस का कि अवतल लेंस का, अवतल लेंस का होता है। तो अवतल लेंस की उसे जरूरत है चश्मा में, कितने फोकस दूरी की, तो 40 सेंटीमीटर के फोकस दूरी की अवतल लेंस की जरूरत है। माइनस चिन्ह यही व्यक्त करता है, तो उसे अवतल लेंस की आवश्यकता है ना। अब उस लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो क्षमता बराबर क्या होता है, जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो लेंस की क्षमता 100/f होती है। तो 100/f हो गया -40 = -2.5, ये लेंस की क्षमता है, डायोप्टर होता है क्षमता का मात्रक, तो इतना डायोप्टर चाहिए माइनस है ना। तो लेंस की क्षमता का चिन्ह वही होता है जो उसके फोकस दूरी का चिन्ह होता है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक है, इसलिए लेंस की क्षमता भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और ऋणात्मक क्षमता अवतल लेंस का होता है, अर्थात उसके चश्मे में -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी या -2.5 डायोप्टर के क्षमता का लेंस की आवश्यकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, दीर्घ दृष्टि दोष मैंने निकट का वस्तु से नहीं दिखाई देगा, कितना निकट का नहीं दिखाई दे रहा है, 45 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को वो नहीं देख पाता है ना। मैंने 45 सेंटीमीटर इसकी दूरबीन है ना, दूरबीन भी जितना सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु कोई व्यक्ति नहीं देख पाता है, उस दूरी को हम लोग दूरबिंदु कहते हैं। तो दूरबिंदु इसका 45 सेंटीमीटर है, तो वो व्यक्ति निकट का नहीं देख पाता है, तो कितना निकट का देख पाएगा, तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। तो वो व्यक्ति भी चाहेगा कि हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर किताब रख करके और हम पढ़ सकें ऐसे है ना। तो वो चाहता है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तुओं को हम देख पाए, तो u = क्या हो जाएगा उसके लिए, -25 सेंटीमीटर। और कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा तो देख लेगा, तो 45 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा तो देख लेगा -45 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रतिबिंब उसके आंख के सामने बन रहा है, इसलिए माइनस चिन्ह का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो u = इतना, ये सॉल्यूशन है। तो और v = -45 सेंटीमीटर हो गया। तो लेंस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, लेंस सूत्र पढ़े हैं आप लोग, 1/b - 1/u = 1/a, और 1/b है -45 - 1/u = -25 = 1/f। तो 1/f = कितना हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा 1/25, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस है 1/45, लॉस कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं, 25 45 5 5 25 5 9 45, सब तो कटेगा, 9 5 45 45 × 5 = 25, 25 9 2 25 9 बार में, 45 × 5 = 25 होता है, 5 लिख दे रहे हैं, 4/225, मतलब 1/f = इतना, और f = कितना हो जाएगा, 2 2 5/4 सेंटीमीटर, और m = कितना हो जाएगा, लेंस की क्षमता पूछ रहा है, लेंस की क्षमता t = पावर पूछ रहा है,
पावर ऑफ लेंस तो कितना हो जाएगा पी 100 बटा एफ, तो 100 एफ है 225, यहां पर धनात्मक है फोकस दूरी मतलब तो उत्तल लेंस की जरूरत है, बटा 4 इक्वल टू हो जाएगा, ये देख लेते हैं 100 गुना 4 तो चल जाएगा ऊपर बटा 225 25 चौका 100 25 ना 25 ना 225 है ना, तो हो गया 4 हो गया 4 चौका 16 बटा 9 डायोप्टर के उत्तल लेंस की इसे आवश्यकता है। तो आज इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं, हम आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।